गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विशाखा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। तो हमने आपको क्लास सेकेंड के लेसन नंबर 5 कालिदास के हार्ड वर्ड यानी जो कठिन शब्द होती है, कठिन मीनिंग होती है, वो आपको लिखकर भिजवा दी थी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों ने उनको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिख लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। तो आज हम क्लास सेकेंड की इंग्लिश रीडर का पाठ नंबर 5 पढ़ेंगे। इसका हिंदी अर्थ हम आपको पढ़ाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी किताब खोलो और पेज नंबर खोलो 2525। आपके पाठ का नाम है कालिदास, ठीक है। कालिदास वाज द कोर्ट पोइट ऑफ किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन। जो कालिदास थे वो कोर्ट यानी दरबारी, कवि पोइट यानी कवि थे, कौन से राजा के? विक्रमादित्य राजा के। जो कहाँ के राजा थे? उज्जैन के। तो कालिदास उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। ही रोट मैनी प्लेज एंड पोएम्स इन संस्कृत। उन्होंने बहुत सी नाटक, बहुत सी कविताएं संस्कृत भाषा में लिखी थी। इन ए नियर बाई सिटी लिव्ड ए किंग हु हैड ए ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट डॉटर। तो पास वाले शहर में एक राजा थे जिनकी बहुत सुंदर और इंटेलिजेंट यानी होशियार पुत्री थी, बेटी थी। हर नेम वाज विद्यावती, उसका नाम विद्यावती था। शी सेड हु एवर कैन आंसर माई क्वेश्चंस ही विल बी माई हस्बैंड। वह कहती थी कि जो कोई भी व्यक्ति मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा यानी मेरे प्रश्नों का जवाब देगा वह मेरा पति बनेगा यानी मैं उससे शादी करूंगी। मैनी किंग्स वॉरियर्स एंड लर्न्ड मैन ट्राइड टू आंसर हर क्वेश्चंस बट दे कुड नॉट। मैनी किंग्स यानी बहुत से राजाओं ने, वॉरियर्स यानी योद्धाओं ने, और लर्न मैन यानी जो सीखते हैं यानी सीखते जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, उन्होंने उसके उत्तर देने की, उसके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश की लेकिन कोई भी नहीं दे पाया। दे हैड टू गो अवे डिसअपॉइंटेड, वे सभी निराश होकर चले गए। शी लाफ्ड एट देम, वह लड़की उन पर हंसने लगी। They were very angry with her, तो वे सभी लोग ना उस लड़की पे गुस्सा करने लगे कि लड़की हमारा मजाक बना रही है। They wanted to teach her a lesson, वे सभी लोगों ने निश्चय किया कि वे उसे सबक सिखाएंगे। One day एक दिन some disappointed learned man saw a young shepherd sitting on the branch of a tree which he was cutting। एक दिन कुछ निराश ज्ञानी लोगों ने देखा कि एक शेपर्ड, यंग शेपर्ड यानी तो ग्वाला, एक ग्वाला जिस पेड़ पर, पेड़ की डाली पर बैठा है वह उसे ही काट रहा है। ये जो सीन दिख रहा है ना ये वाला, तो यानी उन लोगों ने देखा कि एक ग्वाला जिस डाली पर बैठा है वह उसे ही काट रहा था। They thought how foolish this young shepherd is, उन्होंने सोचा कि ये ग्वाला कितना मूर्ख है। He is cutting the branch on which he is sitting, कि ये जिस डाली पर बैठा है उसे ही काट रहा है। Soon he will fall down, कि देखना ये जल्दी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि जिस पर बैठा है उसको काटेगा तो गिरेगा। Suddenly they had an idea, अचानक उनको एक idea आया, विचार आया। They made a plan, उन्होंने एक plan बनाया। They asked him to go with them to city, उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ शहर में चलो। He agreed to do so, और वो भी सहमत हो गया। They gave him tasty food to eat and delicious buttermilk to drink, तो उन लोगों ने उस ग्वाले को अच्छा खाने को भी दिया और छाछ पीने को दी। Then he slept on a soft bed, और फिर वो एक सॉफ्ट से बेड पर सो गया।
तो ये पेज हमने आपको पढ़ा दिया। आप सभी को क्या करना है, अपनी बुक को खोलना है, उंगली रखते जाना है और मेरी आवाज़ जो इस वीडियो में रिकॉर्ड है इस पार्ट को बार बार सुनकर याद करना है। ओके।